सो गाइस कैसे हो आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस इस टाइम पे शादी का सीजन बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है दोस्तों, तो मैं सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए गाइस ओल्ड हिंदी सॉन्ग पर लेकर के आ जाऊं बहुत ही कमाल का डीजे स्टेटस का ट्रेल लेकर के, जो गाइस बहुत ज्यादा कमाल और बहुत ज्यादा ओपी है। गाइस आपने ऑलरेडी प्रीव्यू में देख लिया होगा, बहुत ही कमाल कमाल के एनिमेशन के साथ इसे क्रिएट किया गया है, जो गाइस आप किसी का फोटो लगा करके किसी को भी विश कर सकते हैं, या फिर इस टाइम पे इंस्टाग्राम रील का बहुत ज्यादा ट्रेंड चला तो इसे इंस्टाग्राम रील्स पर भी शेयर कर सकते हैं। तो गाइस इस प्रकार के वीडियो बनाना बहुत आसान है, इसके लिए आपको क्या करना है इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और दोस्तों आपको एक और काम करना है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर से कर लीजिएगा। तो आई होप गाइस आप लोगों ने ऑलरेडी कर दिया होगा। तो गाइस सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना है, आपको अपने अलाइट मोशन को ओपन करना सिंपली, और अगर इसमें जितने मेटल यूज होंगे बिटमार्क का प्रिंट एक्सएमएल फाइल सब आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार से हमारी मेटल को डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आती है तो उसके नीचे आपको हाउ टू डाउनलोड नाम का एक लिंक देखने मिल जाएगा, उस वीडियो को देखकर आप बहुत ही आसानी से हमारी मेटल को ऐसे डाउनलोड करना है वो आप देख सकते हैं। गाइस अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा, इसलिए गाइस आप लोग जाकर प्लीज लिंक को देख लीजिएगा, ठीक है, अगर आपको मेटल को डाउनलोड करने में किसी प्रकार से दिक्कत आ रही है तो। तो गाइस सबसे पहले हम यहां पर अलाइट मोशन को ओपन कर चुके हैं, अब इसके बाद जो आगे का प्रोसेस है, सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस प्लस पे क्लिक करना है और यहां पर किस प्रकार का आपको रेजुलेशन देखने को मिल जाता है, आई होप आप लोग यहां समझ गए होंगे। और गाइस यहाँ पर गाइस आपको इसका जरूरत है अभी आगे पढ़ने वाला है, तो आप बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले गाइस हम बैक कर लेते हैं और यहाँ पर आपको इस प्रकार से आ जाएगा प्रोजेक्ट पर, ठीक है, यहाँ पर हमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाया था इसको हम डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर गाइस किस प्रकार से सॉन्ग बीट मार्क और शेकी फेड का इस प्रकार से प्रिंटेड एक्सएमएल फाइल देखने मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो सॉन्ग बीट मार्क इसको इस प्रकार से ओपन कर लीजिएगा, इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है और यहाँ पर गाइस आप नाम पर क्लिक करके अपनी गैलरी में जिस फोटो रख रहे हैं वहाँ पर आपको इस फोटो को ओपन कर लेना है, ठीक है। इस फोटो को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जो आएगा प्रोसेस वो हम अभी आपको बताने वाले, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आप किसी प्रकार का फोटो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको साइज का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, बट गाइस यहाँ पर एक अच्छा फोटो आप लगाएंगे तभी आपका वीडियो जो है बहुत ज़्यादा कमाल का लगने वाला है। तो यहाँ पर गाइस हम इस फोटो को लेते हैं और यहाँ पर थर्ड पे क्लिक करेंगे, इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं और गाइस यहाँ पर आपको इस प्रकार से इसको सेट कर लेना है। फिर आपको नेक्स्ट बीट पर आना है और आपको इसको कुछ इस प्रकार से आपको मिला देना होगा, ठीक है। अब गाइस इतना आपको कर देने के बाद आपको बैक करके अपने इस प्रकार से आ जाना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और गाइस अपने सेक फेट में आ जाइएगा और यहाँ पर आपको जो नीचे देखने को मिल जाएगा इसको ऑफ करेंगे तो आपको इसके पीछे जो बैकग्राउंड वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर इफेक्ट को इस प्रकार से कॉपी इफेक्ट कर लीजिएगा और आपका जो बीट मार्क किस प्रकार से इसको ओपन कर लेना है। और यहाँ पर गाइस जो आपको देखने को मिला सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपका जो ये फोटो है इस फोटो पर क्लिक करेगा, इस इफेक्ट को यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और स्क्रॉल करके कुछ इस प्रकार से आपको इसको नीचे इस प्रकार से कर देना है। अब गाइस इतना आपको कर देने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके आपको थोड़ा सा गाइस आगे जाना है, ठीक है। इतना आपका काम हो जाने के बाद आपको आगे जाना गाइस, यहाँ पर आपको इस प्रकार के एनिमेशन देखने को मिल जाता है। आप चाहे तो इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर कोई और फोटो भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर गाइस हम क्या करेंगे, कोई और फोटो यहाँ पर अटैच कर लेते हैं, ठीक है। तो इस फोटो को ले लेते हैं और थर्ड पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं, सिंपली ये हो जाएगा हमारा। फिर आपको नेक्स्ट बीट पर आना और गाइस यहाँ तक आपको जो आपका एनिमेशन दिखाई दे रहा है सिंपली आपको यहाँ तक इस प्रकार से इसको इस तरह से मिला देना है, ठीक है। और गाइस इतना आपको मिला देने के बाद आपको स्क्रॉल करके इस प्रकार से नीचे आना है और जो नीचे में आपको दिखाया था सिंपली इस पर क्लिक कर देते हैं, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर जो फोटो दिख रहा है सिंपली इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब गाइस यहाँ पर पेस्ट कर देने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है आपका ये कलर पहले इसको हम ऑफ कर देंगे और यहाँ पर गाइस आपको देखने को मिल जाएगा सैचुरेशन, तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको जीरो कर देना है इस प्रकार से ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर जो आपका ये एनिमेशन दिखाई दे रहा है इसके अंदर आपको अपना फोटो कैसे लगाएंगे और कौन सा लगाएंगे, किस साइज में लगाएंगे, सबसे पहले गाइस आप बैक कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको इस प्रकार से प्लस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको देखने को जाएगा बहुत सारा रेजुलेशन साइज, तो यहाँ पर आपको 1.1 का साइज क्रिएट करना है और क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और आपको प्लस पे क्लिक करके मीडिया पर जाना है और यहाँ पर गाइस आपको कोई फोटो इस प्रकार से चूज कर लेना है और थर्ड पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन करना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब गाइस सेटिंग बगल में इस पर क्लिक करके करंट फ्रेम पेज भी कन्वर्ट करके कम से कम 10 से 15 फोटो का आपको इस प्रकार से सेट करना होगा। फिर गाइस आपको बैक करके अपने जो प्रोजेक्ट है सॉन्ग बीट मार्क इसको ओपन कर लेना है एंड गाइस ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से जो आपका यहाँ पर लोकेशन टाइप का बना है इसके अंदर आप फोटो कैसे अटैच करेंगे, तो आप कैसे फोटो अटैच करेंगे सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको जो ग्रुप 1 लिखा है ग्रुप 1 पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से एनिमेशन क्रिएट हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस जो आप 15-20 फोटो यहाँ पर काउंट करके रखे रहेंगे 1.1 के साइज के अनुसार, तो इसके सभी के अंदर आपको ऐड करना है। तो इस ग्रुप पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो एक ग्रुप दिखाई दे रहा है सिंपली यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे तो आगे आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका ये जो ब्लू ब्लू पर्पल कलर का मार्क दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर कल्प पे क्लिक करके स्टार आइकन पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है और गाइस यहाँ पर आपका जो ये फोटो दिखाई दे रहा है सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक करके इसको ऐड करना है और बैक कर देना है, इसको इस प्रकार से आपको मिला देना है, ठीक है, कुछ प्रकार से आपको मिला देना है। अब गाइस सेम टू सेम प्रोसेस यही फोटो
देखो आपको करीब यहाँ तक आपको पूरा लास्ट तक सभी ग्रुप में यहाँ पर ऐड करना है। और गाइस यहाँ पर भी आपको आगे जाने के बाद इसमें भी यहाँ पर आपको ऐड करना होगा, यानी कि यहाँ पर जितने ग्रुप दिख रहे हैं सभी पर आपको इस प्रकार से अटैच कर देना है। अब गाइस इतना कर लेने के बाद आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि वीडियो कम्प्लीट हो जाने के बाद वो भी आपको कैसे देखने को मिलेगी, जो कि आपने ऑलरेडी प्रीव्यू में देख लिया होगा। ओके, तो गाइस इतना करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है और गाइस यहाँ पर आपको बीच में जितने यहाँ पर बीट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब गाइस सिंपली आपको यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है और यहाँ पर आपको सिंपली इस प्रकार से किसी फोटो का यहाँ पर ऐसे अटैच करके पूरा आपको यहाँ तक अटैच कर देना है। गाइस कुछ प्रकार जैसे मैं यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ, सिंपली इस बीच में आपको जितने छोटे छोटे बीट दिख रहे हैं यहाँ तक आपको लास्ट में आपका जो बीट दिखाई दे रहा है सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर क्लिक करके थर्ड पे क्लिक इसको इस प्रकार से मिला दीजिएगा और इसको फुल स्क्रीन कर दीजिएगा, ठीक है। और आपका जो नेक्स्ट बीट है यहाँ तक आपको कुछ प्रकार से इसको मिला देना है। अब गाइस इसके बीच में सभी जगह पर आपको फोटो को अटैच करना है ओनली, ठीक है। अब गाइस इस पर क्लिक करना है और फेड पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है चैनल बेस या फिर आप अदर में जा करके यहाँ से इसको आप चूज कर सकते हैं और यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड पे क्लिक करके सिंपली आपको जी पे क्लिक करके इसको इस प्रकार से मिला देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो फोटो का कलर है वो यहाँ पर चेंज आएगा, जो कि बहुत ही कम आग लगेगा। फिर आपको स्क्रॉल करके आगे जाना है। अब गाइस यहाँ पर हमारा डबल बीट स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपका इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सबसे पहले प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है और यहाँ पर आपको प्लस पे इस प्रकार फोटो पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर देना और आपका जो नेक्स्ट बीट है यहाँ तक इसको मिला देना है। अब गाइस यहाँ से लेकर के आपका जब तक नेक्स्ट डबल बीट नहीं आ जाता है, यानी कि जब तो जो आपका बीच में डबल बीट दिखाई दे रहा है सिंपली यहाँ तक आपको फोटो पे क्लिक करना और सिंपली सभी पर आपको फोटो को अटैच कर लेना होगा, ठीक है। बच्चों भाग को इस प्रकार से मिला लेते हैं। अब गाइस इतना कर देने के बाद आपको क्या करना है, बैक करके अपने आप को इस प्रकार से सेक इफेक्ट में आ जाना है और जो पहला आपको इफेक्ट दिखा दे रहा है सिंपल इस पर क्लिक करना है और इफेक्ट पे क्लियर कॉपी इफेक्ट कर लेना है और आपका जो बीट मार्क इसको ओपन कर लेना होगा। स्क्रॉल करके आपको आगे जाना है, ठीक है। और गाइस आगे जाने के बाद यहाँ पर आपका जो डबल बीट स्टार्ट होता है सिंपल इस पर क्लिक करेगा, इस इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब गाइस बीच में आपको जितने भी बीट दिख रहे हैं सभी जगह पे आपको फोटो अटैच करके इस इफेक्ट को ऐड कर देना है। फिर गाइस आपको आगे जाना है और यहाँ पर आपको जो डबल बीट दिखा दे रहा है इसके पहले भी आपको इफेक्ट दिखाई देगा, तो यहाँ पर भी आपको इस इफेक्ट को लगा देना है। अब गाइस जो आपका नेक्स्ट डबल बीट दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है, प्लस पर क्लिक करके इसको सिंपली आपको फुल स्क्रीन कर देना होगा और बच्चों भाग को इस प्रकार से कट कर देना है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट इफेक्ट लगाना है जो कि डबल बीट के अनुसार। तो बैक करके अपने सेकंड इफेक्ट में आते हैं और आपका जो सेकंड इफेक्ट दिखाई दे रहा है सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और कॉपी इफेक्ट कर लेंगे और अगर आपका जो बीट मार्क इसको इजीली ओपन कर लेंगे। इस ओपन करने के बाद स्क्रॉल करके आपको आगे जाना है। गाइस आगे जाने के बाद सिंपली आपको इस जो आपका नेक्स्ट बीट स्टार्ट होता है सिंपली आगे जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे देगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है, इस इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब गाइस ये वाला इफेक्ट आपको आगे जाने के बाद जो आपका डबल बीट दिखाई देगा सिंपली आप गाइस डबल बीट अगर नहीं दिखाई देगा तो आप बीच बीच में भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं तीन फोटो को छोड़ करके, तब भी आपको जो कि अच्छा देखने को लगेगा, ठीक है। तो आपको प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, आप चाहे तो यहाँ पर भी अटैच कर सकते हैं। बच्चों आप किस प्रकार से कट कर लेते हैं, आप इस बीच में जो भी आपको दिखाई दे रहा है आप यहाँ पर 1, 2, 3 फोटो को भी चूज कर सकते हैं। तो बैक करके अपने सेकंड इफेक्ट में आ जाएगा और लास्ट में जो आपको जो आपका थर्ड इफेक्ट दिखाई दे रहा है सिंपली इस पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर आपका जो बीट मार्क इसको इजीली ओपन करके स्क्रॉल करके आपको आगे जाना है। और गाइस यहाँ पर आपका जो लास्ट बीट दिखाई दे रहा है आपको 1, ठीक है, आपको यहाँ पर 1, 2, 3 तो 3 बीट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से इफेक्ट को ऐड करना है जो कि बहुत ही ऑसम लगेगा, ठीक है। फिर आपको लास्ट का जो इफेक्ट है सिंपली इस पर क्लिक कर लीजिएगा, फोटो पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन करिएगा, बच्चों भाव को इस प्रकार से कट कर देना है, ठीक है। अगर इस कट करने के बाद आपको बैक करके अपने सेक इफेक्ट में आ जाइएगा और आप गाइस जो आपका लास्ट में इफेक्ट बचेगा सिंपली इस इफेक्ट को यहाँ पर कॉपी कर लीजिएगा और कॉपी करके आपको सिंपली जो बीट मार्क है यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है कुछ इस प्रकार से, जो कि बहुत ही कमाल का देखने को लगेगा। अब गाइस वीडियो हमारी कमेंट करने के बाद कैसी दिखती है, तो बैक करके हम यहाँ पर दिखा देते हैं। सो गाइस हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही ऑसम लग रहा है। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले कंप्लीट दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही कमाल को बहुत ही ऑसम तरीके से क्रिएट किया गया। इसके अंदर आप किसी प्रकार का फोटो अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना, सिंपली आपको सिनेबल में बॉक्स पर क्लिक करिएगा, आपको बहुत ही आसान आपकी गली में भी सेफ हो जाएगा बहुत ही जल्द। तो थैंक यू सो मच गाइस यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।